आपको साउल में फिर से वेलकम है। आज आपको घी के बारे में बताऊंगा। घी जैसे कि आप जानते हैं बहुत फेवरेट कुकिंग मटेरियल है ऑल अक्रॉस इंडिया, और बड़े शौक से लोग घी खाते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं घी बहुत बढ़िया है और घी में कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि नेचुरल सोर्स से आती है, पर आज आपको घी के बारे में बहुत डिटेल बताने वाला हूँ मैं। घी को मेरे को एक फॉरेनर ने पूछा कि व्हाट इज़ घी, तो मैं सोच रहा था घी कैसे समझाऊं, तो मैं ये सोचने लगा सोयाबीन का ऑयल बोलता है तो सोयाबीन ऑयल बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल का मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, मस्टर्ड से बनता है तो अगर ग्राउंड नट के बनता है तो ग्राउंड नट ऑयल बोलते हैं, सनफ्लावर से बोलते हैं तो सनफ्लावर ऑयल, तो मैं बोला मिल्क ऑयल, तो बोलता है अच्छा मुझे समझ में आ गया। मिल्क को जब उसको चर्न किया जाता है, दही बनाया जाता है, उसको चर्न कराया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर मलाई निकलती है, वो मलाई को गर्म करके घी बनाया जाता है। मैंने अपने घर पे घी बनते हुए देखा है बहुत छोटे में। घी बहुत फेवरेट वे में खाया जाता है, तो चपाती में लगाया जाता है, घी की सब्जी बनाई जाती है और लोग एडवर्टाइजमेंट करते असली घी की मिठाई बनाई गई है। पर घी का जब हम बहुत डिटेल गए तो पता चला घी और दूसरे ऑयल में से कोई फर्क नहीं बनता है, दोनों में घी में भी 99.9% फैट होता है और उसमें बेसिकली इट्स अ ट्राई ग्लिसराइड, ट्राई मतलब तीन और ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरीन से तीन फैटी एसिड ऐड हो जाए। घी में मीडियम चेन फैटी एसिड होता है, जो फैटी एसिड होती है मीडियम चेन होती है, बहुत लंबी भी नहीं चेन होती है उसके, स्मॉल भी नहीं होती है। ज़्यादातर घी में जितने भी फैटी एसिड होते हैं उसमें ओमेगा 3 काफ़ी कम होता है, उसमें मेन होता है ओमेगा 9 और थोड़ी बहुत होती है ओमेगा 6। घी में अगर 100 ग्राम घी खाया जाए तो 900 कैलोरी होता है, 1 ग्राम में 9 कैलोरी, जितना कि सारे ऑयल में होता है। घी में एक नुकसान और है, ऑयल में तो सिर्फ ट्राइग्लिसराइड होता है, घी में कोलेस्ट्रॉल भी होती है। कोलेस्ट्रॉल कितना ग्राम होता है? 1/4 ग्राम। आपको मैं एक बार बता दूं, ऑयल को हम लोग ग्राम्स में लेते हैं, चम्मच में लेते हैं, एक चम्मच में 5 ग्राम होता है, 5 चम्मच ऑयल खा लिया तो 25 ग्राम ऑयल खा लिया, बट कोलेस्ट्रॉल हम लोग खाते हैं मिलीग्राम में। एक आदमी को हम लोग बोलते हैं हार्ट के लिए सेफ्टी रखना है तो 10 मिलीग्राम से ऊपर कोलेस्ट्रॉल मत खाना। 10 मिलीग्राम कितना होता है मालूम है? 1 ग्राम का 100 वाला हिस्सा, 1/10 मिलीग्राम। घी अगर 100 ग्राम कोई ले ले तो 250 मिलीग्राम होती है, 256 मिलीग्राम मैंने भी चेक किया, इतनी कोलेस्ट्रॉल है। मतलब 25 दिन का कोटा आप 100 ग्राम घी में एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हो, 1 महीने का कोटा मान के चलिए। तो इसलिए घी को हम लोग अच्छा नहीं मानते मेडिकल साइंस के तरफ से, और घी की कंपोजिशन कोई छनी भी माने कोई छिपा हुआ नहीं है, आप किसी भी गूगल में डालिए और घी की कंपोजिशन मिल जाएगी। इसमें हाँ थोड़े फैट सॉल्युबल विटामिन होती है जो हर ऑयल में होता है, और उसके लिए हम लोग बोलते ही हैं कि जो हमारे बॉडी में जो नेचुरल ऑयल आती है, जो हर खाने के अंदर नेचुरल ऑयल आता है, उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन मिल जाती है, अलग से घी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो घी ट्राइग्लिसराइड है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, तो सारे ऑयल के तरह मैं अपने पेशेंट्स को जो रिवर्स करना चाहते हैं उनको तो एक बूंद भी घी नहीं देता हूँ, एक बूंद भी तेल नहीं देता हूँ। आप अगर बोलते हैं नहीं मैं तो हार्ट का पेशेंट नहीं हूँ, अगर थोड़ा बहुत लेना चाहूँ तो मैं बोलता हूँ घी ले लो ऑयल ले लो, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर 1-2 चम्मच में रोक लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगे तो ब्लॉकेज बढ़ेगी। एक होता देखिए ब्लॉकेज है ही नहीं, आप पक्के हो कि ब्लॉकेज है ही नहीं, सीटी करा लिया तब तो थोड़ी बहुत घी ले भी लिया तो चलता है, पर आपको मालूम ही नहीं अंदर ब्लॉकेज है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा एज अ प्रिकॉशन अगर आप एडल्ट हो तो घी ना लिया जाए, कोई भी ऑयल कट कर दिया जाए। आगे के ज़माने में देखिए लोग बोलते थे घी पचा लेते थे, हम लोग पचा कैसे लेते थे, अरे ये गांव से दूसरे गांव 10 किलोमीटर पैदल जाते थे, 10 किलोमीटर पैदल आते थे, अब हमने सारी मेहनत ख़त्म कर दी, आज आधा किलोमीटर भी जाना हो तो हमें गाड़ी चाहिए स्कूटर चाहिए, मेहनत पूरी ख़त्म हो चुकी है और हम लोग जो तेल घी खा रहे हैं वो अंदर जम रही है, करोड़ों में हार्ट के मरीज बन रहे हैं। आज इंडिया में 8 से 10 करोड़ हार्ट के मरीज हैं, सारे वो तेल घी अंदर जमते जा रही है, कोलेस्ट्रॉल जम रही है और वो कोलेस्ट्रॉल घी में बहुत परिमाण में है, ट्राइग्लिसराइड जम रही है घी भरा हुआ उसमें, तो ऑयल और घी में कोई खास फर्क नहीं है। कभी कभी लोग आ जाते हैं कि नहीं वो गाय की घी और भैंस की घी में कोई फ़र्क है, वो भी मैंने चेक किया कोई खास फर्क नहीं है, कैलोरी वाइज कोलेस्ट्रॉल वाइज और सारे वाइज दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। कभी कभी लोग आते हैं मेरे घर का घी है, मैं बोला घर का घी का क्या मतलब, बोलता है गाय मेरा अपना खरीदा हुआ है, मैं बोला अगर कोई और दूसरा पैसा दे दे और दूसरे के पास बेच दोगे तो गाय का दूध घी भी बदल जाएगा क्या? नहीं, फिर भी मेरे घर का गाय है, मैं बोला उससे कुछ नहीं होता, ये सब मन का बात है।
हाँ, आगे पुराने जमाने में घी लोग खाते थे, बोलते थे घी हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है और हमारे बॉडी में जितनी फैट की जरूरत है वो इनविजिबल फैट से मिल जाता है, अलग से तेल घी डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग बिना घी बिना तेल के सब्जियां बनाते हैं, बिना घी बिना तेल की मिठाइयां बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, फ्राई कर रहे हैं हर चीज को। तो आप घी लेना बंद कर दें अगर हार्ट की सलामती चाहते हैं, और हार्ट के पेशेंट हो तब तो घी को छूना ही नहीं है। तो ये बात आप समझिए, लोगों को समझाइए, और घी हार्ट के लिए ठीक नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। कोई भी डॉक्टर बोल भी दे, क्या करते हैं कभी कभी डॉक्टर देखते हैं कोई ना कोई तो ऑयल बोल नहीं है, तो चलो ये भी ले लेना, मिल्क ऑयल ले लेना। अरे यार, तो लोगे तो ऑयल ही है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल तो, अच्छा दूसरे ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता बिकॉज वो एनिमल का नहीं, हो प्लांट से। घी में तो एनिमल प्रोडक्ट है, उसमें कोलेस्ट्रॉल अलग से, तो मतलब ट्राइग्लिसराइड तो है ही है, कोलेस्ट्रॉल अलग से। तो घी खतरनाक है, घी ना लें तो अच्छा रहेगा। मेरी ये सलाह है कि लॉजिक लॉजिक होती है, और अपनी जो इमोशंस है, अपनी पुरानी बॉन्ड है, वो अलग है। अगर आप पुरानी बातें करेंगे तो 20 किलोमीटर पैदल चलिए, फिर 2 चम्मच घी खाइए, मैं अलाउ कर दूंगा आपको। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप जरूर वायरल करिए, और हम लोग के वेबसाइट में जाइए, बहुत सारी डिटेल आपको मिलेगी हम लोग के बारे में। और जरूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपको।